क्लास 11वीं के स्टूडेंट आपको स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो। फाइनली आपका कक्षा 11वीं के यहाँ पर रसायन शास्त्र का पेपर आ चुका है और जो स्टूडेंट मैं आपका पेपर कराने वाला हूँ ये मुझे यहाँ पर पेपर यहाँ पर रात्रि को प्राप्त। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबाके लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा हो गया था। और जो यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ वो यहाँ पर रात को 3:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर रात्रि का पेपर आपका प्राप्त हो गया था जो कि लीक हो गया है। तो और साथ ही स्टूडेंट आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो इस पेपर को पूरा आपको यहाँ पर रीड करके जाना है। अगर इस पेपर पूरा आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेंगे तो जो आपका 70 नंबर पेपर है 70 में आपके 65 या 60 नंबर वो पक्के हैं, वो आने वाले हैं। तो पूरा पेपर आपको यहाँ पर रीड करके जाना है। मैं इस वीडियो में आपको पूरा यहाँ पर संपूर्ण हल्के पेपर कराने वाला हूँ रसायन शास्त्र का क्योंकि आपका ये पेपर यहाँ पर मुझे रात्रि को प्राप्त हो गया था जो कि लीक हो गया और मैं बस 3:30 बजे रात को यहाँ वीडियो बना रहा हूँ। तो स्टूडेंट मैं आपके लिए काफी मेहनत कर रहा हूँ तो वीडियो लाइक कर दीजिए, साथ ही आप चैनल से कर लीजिए। मैं बड़ी मेहनत यहाँ पर आपको 3:30 बजे रात को वीडियो बना रहा हूँ, आप यहाँ पर ही सोचिए। तो वीडियो लाइक कर दीजिए, साथ ही आपको यहाँ पर चैनल से कर लेना। तो स्टूडेंट जो आपका पेपर है यहाँ पर पूरा हम संपूर्ण हल्चल देखने वाले हैं और साथ ही मैंने आपको पहले बता दिया अगर आपने अभी तक कुछ याद भी नहीं किया कुछ भी नहीं पढ़ा तो इस पेपर को पूरा पढ़ लीजिएगा और पूरा रट मारिएगा तो आप यहाँ पर टॉप करोगे आप रसायन शास्त्र के पेपर में। तो यहाँ पर देखते हैं 11वीं 23 25 22 23 रसायन शास्त्र समाज 3 घंटे का आपका यहाँ पूर्णांक 70 कराने वाला और सभी प्रश्न करना अनिवार्य और दूसरा आता प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तु ने प्रश्न प्रत्येक प्रश्न में यहाँ पर 7 अंक निर्धारित हैं। तो यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिए, आपके यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। तो स्टूडेंट हम जान टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपका जो पेपर है वो आपका यहाँ पर होने वाला तो आपका जान टाइम बचा नहीं है। तो चलिए जो स्टूडेंट आपका पेपर है हम यहाँ पर देख लेते हैं। पूरा पेपर हम यहाँ पर संपूर्ण हल सहित आपका यहाँ पर देखने वाले हैं तो पूरा पेपर आपको यहाँ पर देख के जाना है स्टूडेंट। तो आपके यहाँ पर 7 नंबर के आते हैं सही विकल्प, आप यहाँ देते हैं 7 नंबर के आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं तो पूरा पेपर हम यहाँ पर संपूर्ण हल सहित करने वाले हैं आपका। तो 7 नंबर के आते हैं, पहला आपका आता है STP पर 1 मोल ऑक्सीजन गैस बराबर है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके 6.022×10^23 ऑक्सीजन अणुओं के और B में आता है 6.022×102 ऑक्सीजन परमाणुओं के और यहाँ पर आप 16वां देख लीजिए, 16वां आपके यहाँ पर आता है आपको C में आता है 16 ग्राम ऑक्सीजन के और D में आता है यहाँ पर 329 ऑक्सीजन के 9। तो जो आपके यहाँ आता है STP पर 1 मोल ऑक्सीजन के गैस बराबर होते हैं तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ये 6.022×10^23 ऑक्सीजन अणुओं के। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुत्व वाला तत्व है मैग्नीशियम सल्फर फास्फोरस सिलिकॉन। तो यहाँ पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुत्व वाला तत्व है मैग्नीशियम। अब आपके यहाँ पर आता है तीसरा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का ये कथन निम्नलिखित है, जब इन तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं तो यौगिक बनते हैं। निम्नलिखित में से यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा इस नियम का इस कथन से संबंधित नहीं है, द्रव्यमान का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, यहाँ पर गुणित अनुपात का नियम और अभिक्रिया का नियम। तो इसका आपको जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा तो स्टूडेंट वो आपका इसका आंसर होने वाला है स्थिर अनुपात का नियम। तो स्टूडेंट मैंने आपको पहले बता दिया अगर आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं पढ़ा तो इस पर पूरा रट मारिएगा, आपके यहाँ पर अच्छे नंबर आएंगे। केमिस्ट्री पेपर साथ ही वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को आपको सही कर लेना क्योंकि आपको कक्षा 11वीं के सही विषय के पेपर आपको इस चैनल पर अपलोड करा जाएंगे। चौथा आता है कैल्शियम के संयोजक कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, 4, 6, 8 है तो इसका आपका आंसर 2 हो जाएगा। पांचवा आता है ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन के मसाफ फोड़े कक्ष में भर जाते कहलाते हैं, एक्टिनोड, संगमा तत्व, लेंथिनोड, हेलोजन। तो इसका आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेंथिनोड। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर अच्छे से देखना सुनना जैसे पूरी आपको ऑब्जेक्ट यहीं पर याद होनी चाहिए क्योंकि आपका जान टाइम बचा नहीं है तो आपको पूरी यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक ही बार में याद कर लेने स्किप मत करिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो आपकी नंबर कटेंगे क्योंकि आपके यही पेपर आने वाला, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ। और आपका 6वां आता निम्न यहाँ पर निम्न में से कौन सा यहाँ पर संगमा तत्व है, पारा है, लोहा है, सोना है या प्लेटिनम है, तो आपका इसका यहाँ पर लोहा हो जाएगा। 7वां आता हाइड्रोजन का यहाँ पर रेडियोधर्मी समस्थानिक है, यहाँ पर प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम और ड्यूटेरियम। तो इसका जो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा ट्राइटेरियम। तो जो आपके यहाँ पर 7 नंबर के यहाँ पर सही विकल्प दिए थे मैंने वो यहाँ पर संपूर्ण सहित करा दिए, देख लीजिए और इसकी जो कर लीजिए जिससे आपको यहाँ पर सोल्यूशन में आसानी जाएगी और रीड करने में यहाँ पर आसानी जाएगी। तो यहाँ पर इसकी जो कर लीजिए, साथ ही आप चैनल को सही कर लीजिए। बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर रात को 3:30 बजे यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। और फिर आपके यहाँ पर आते हैं 7 नंबर के यहाँ पर आते हैं रेगिस्तान। तो पहला आपका यहाँ था कैल्शियम, यहाँ पर देखिए कैल्शियम फॉस्फेट जल की क्रिया से डोमेन बनती है तो यहाँ पर क्या बनता है चलिए हम देख लेते हैं। तो जो आपका यहाँ पर आंसर है आप देखते हैं, यहाँ पर कैल्शियम फॉस्फेट जल की क्रिया से यहाँ मीथेन गैस बनती है तो पहले खत्म आपका मीथेन हो जाएगा। और दूसरा आता चुंबकीय क्वांटम संख्या दोनों संबंधित है तो यहाँ पर चुंबकीय क्वांटम संख्या किससे संबंधित है, अभिविन्यास से संबंधित है तो दूसरे का लिखता आपका अभिविन्यास हो जाएगा। और तीसरा आता द्रव अमोनिया में सोडियम धातु नीला रंग देती है या डोनर के कारण होता है तो तीसरे का आंसर आपको हो जाएगा अमोनिक रहते इलेक्ट्रॉन। चौथा आता रासायनिक बंधों के निर्माण के साथ ऊर्जा में डोनर होती है तो चौथे का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा वृद्धि। और पाँचवा आता पोटेशियम 3 ऑक्साइड, पहला खालिस्तान, दूसरा खालिस्तान तथा यहाँ पर खालिस्तान बनाता है
तो जो आपके पे यहाँ पोटेशियम तीन ऑक्साइड आपका यहाँ पर जो पहले खालिस्तान दिया है उसमें आपको K2 भरना, दूसरे खालिस्तान आपको K2 भरना, और जो आपका तीसरा खालिस्तान यहाँ पर दिया जाए ये वाला, तो इसमें आपको भरना है क्या K2O2 भरना है, लिख लीजिए। और फिर आपका यहाँ पर सबसे प्रभाव अपचायक तत्व है, तो यहाँ पर सबसे प्रभाव अपचायक तत्व आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिथियम है यहाँ पर सबसे प्रभाव अपचायक तत्व है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से स्टूडेंट आप देखिए। और सातवां आता है केलोगन का व्यापक नाम क्या है, तो यहाँ पर केलोगन आपका व्यापक नाम हो जाएगा सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। तो जो आपके यहाँ पर दिया जाए रेगिस्तान का सोल्यूशन, तो उसका आप यहाँ पर स्क्रीन उठा लीजिए राज रेगिस्तान सोल्यूशन, जिससे आपको सोल्यूशन को आसानी जाएगी, तो इसका आप स्क्रीन उठा लीजिए। अब चलिए आपसे सड़ोड़ियाँ आती हैं जो 7 नंबर की हैं, कॉलम ए और बी में आपकी दी सड़ोड़ी पहली आती है उत्कृष्ट गैस, इसको आपको मैच करना नियोन से, हीरे की संरचना त्रिविम जालक हेलोजन, तो आपकी क्लोरीन हो जाएगी, जो आपकी क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटीन ये सभी आपके यहाँ पर तत्व हैं वो आपके हेलोजन समूह के हैं। तो हेलोजन आपके क्लोरीन हो जाएगा, CH4 आपका यहाँ पर होने वाला एस्पिरेशन संख्या, D2 आपको मंदक हो जाएगा, क्षार धातु जो आपकी यहाँ पर हो जाएगी पोटेशियम, और यहाँ पर क्षार धातु पोटेशियम हो जाएगी आपकी, साथ में आता CO+H2 का मिश्रण क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर CO+H2 का मिश्रण आपकी जल गैस। तो ये आपके यहाँ पर मैं सर्वरी करा दी, आप इसका स्क्रीन उठा सकते हैं, फिर से देख लीजिए आपके यहाँ पर उत्कृष्ट गैस है वो आपके यहाँ पर कौन सी होने वाली, नियोन से, हीरे की संरचना आपके यहाँ पर त्रिविम जालक से, हेलोजन आपकी क्लोरीन, CH4 संकरण, D2 आपकी मंदक, और छह में आती क्षार धातु, तो क्षार धातु का आपको किससे मिलाना है पोटेशियम से, और CO+H2 में से आपका जल गैस हो रहेगी। फिर आपके एक सत्र वाक्य होता है जो कि 7 नंबर के हैं, तो पहला आपका आता आवासारणी प्रथम आवासन कितने तत्वों को रखा गया, तो यहाँ पर इसका आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 तत्वों को रखा गया है, लिख लीजिए। और दूसरा किसी अणु का आणविक द्रव्यमान होता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग उस अणु का आणविक द्रव्यमान कहलाता है, लिख लीजिए फिर से, किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग उस अणु का आणविक द्रव्यमान कहलाता है, मैंने यहाँ पर आणविक नहीं लिखा, तो आणविक द्रव्यमान कहलाता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीन खा सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। अब चलिए आपका तीसरा यहाँ पर था डी ब्रॉगी समीकरण लिखना है आपको, तो जो आपका यहाँ पर डी ब्रॉगी समीकरण हो जाएगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा डी ब्रॉगी समीकरण लैम्डा बराबर H/mv हो जाएगा आपका डी ब्रॉगी समीकरण, देख सकते हैं तीसरे का आंसर है आपका। और मात्राओं की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या है, तो मात्राओं की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति आपकी हो जाएगी SI, तो आपको कैपिटल में लिखना है SI, आपको इसमें नहीं लिखना है SI, लिखना आपको कैपिटल में, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, कैपिटल में लिखना आपको। फिर चलिए आपके मैच चार करा दी, अब चलिए हम आपके यहाँ पर देख लेते हैं। अब आपका यहाँ पर पाँचवा आता है एक सद्वाक्य महोत्तर, तो नाभ की आवेश में वृद्धि होने पर आवास में प्रमाणित ज्या पर क्या प्रभाव होगा, तो जो आपके इसका मान है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर प्रमाणित ज्या का मान घटता, तो इसका आपका यहाँ पर प्रमाणित ज्या का मान घटता हो जाएगा पाँचवें में। और LACO का पूरा नाम, तो जो आपके LACO का पूरा नाम होने वाला वो आपका यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए LACO का पूरा नाम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये आपका छवें का आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए आपको इसकी स्पेलिंग भी दिख लेनी है, स्पेलिंग आपकी यहाँ पर हो जाएगी लीनियर की LINEAR लीनियर कॉम्बिनेशन COMBINETION कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ATOMIC एटॉमिक ऑर्बिटल ORBITALS, तो यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, अगर आप यहाँ पर स्पेलिंग को गलत लिखेंगे तो आपके यहाँ पर लिखने में कोई मतलब नहीं रहेगा, तो स्पेलिंग भी दिख लीजिए स्टूडेंट। फिर चलिए आपका यहाँ पर भारी जगह सूत्र लिखिए, तो आपका भारी जगह सूत्र यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर D2 हो जाएगा भारी जगह सूत्र। तो जो आपके यहाँ पर एक सद्वाक्य महोत्तर का सोल्यूशन है, तो मैंने करा दिया, और इसके आप यहाँ पर स्क्रीन कर लीजिए, ये आपके एक सद्वाक्य महोत्तर का सोल्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही जो आपके यहाँ पर रेगिस्तान है, तो इसका सोल्यूशन आपका ये रहा, तो इसके स्क्रीन कर लीजिए, मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ रेगिस्तान का सोल्यूशन, जिससे आपको आसानी जाए। आप चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं, तो पूरा हम सोल्यूशन देखने वाले, सिर्फ आप पूरे वीडियो पूरा देखिएगा। पाँचवा आता इस तरह का नियम क्या, दो नंबर का अथवा था गिलुसेव का गैस आदान संबंधी नियम लिखिए, और छठवां था सीमांत अभिकरण क्या है, और अथवा था मोलालता एवं मोलालता में अंतर स्पर्श करना, दो नंबर क्वेश्चन है, सिर्फ आपको दो ही आंसर लिखने हैं। और सातवां आता गुणित अनुपात का नियम क्या, दो नंबर का अथवा था मोलालता किसे कहते हैं, तो स्टूडेंट आप ध्यान से देखिए, घबराइए मत, आपको यहाँ पर जान टाइम बचा नहीं है, तो आप आराम से देखिएगा, और पूरे क्वेश्चन आपको पूरा पेपर रट मारना है, आपको मैं पहले ही बता दिया, तो जिससे आपके यहाँ पर 60-65 नंबर आने वाले हैं अगर आप पूरा पेपर रट मारते हैं। आठवां परमाणु क्रमांक संख्या किसे कहते हैं, अथवा था द्रव्यमान संख्या किसी का दो नंबर क्वेश्चन है। फिर आपका यहाँ आता नौवां क्वेश्चन क्वांटम संख्या किसी का दो नंबर क्वेश्चन है, आप देख लीजिए स्टूडेंट। अथवा आता बोर के परमाणु मॉडल की प्रमुख अभिगृहित लिखिए, ये आपका नौवां क्वेश्चन जो कि आपको नौवें का अथवा, ये आपका दोनों क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका दसवां क्वेश्चन आता है यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण से आपको समझते हैं, दोनों क्वेश्चन अथवा आता संकरण की परिभाषा लिखिए। फिर आपका ग्यारहवां क्वेश्चन आता है, तो ग्यारहवां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लेते हैं, ग्यारहवां संकरण के नियम लिखिए जो दो नंबर का है, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर जो आपका यहाँ पर पाँचवा क्वेश्चन है, इसका छः में का कर लीजिए,
सातवीं का, आठवीं का, नौवीं का, इसमें का दसवीं का खा सकते हो, ग्यारहवीं का। अब चलिए ग्यारहवीं का हम यहाँ पर अथवा देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर जो ग्यारहवीं का अथवा है वो आपका आता है अनुनाद क्या है उदाहरण सही समझाइए। ये आपका यहाँ पर दिया जाए ग्यारहवीं का अथवा और बारहवां आता है प्रकार संबंध किसी कहते हैं उदाहरण दिया समझाइए दोनों बार क्वेश्चन है। अथवा आता है आधुनिक आवास नियम क्या है। तो ये आपका यहाँ पर दिया जाए बारहवीं का अथवा देख लीजिए। और तेरहवां आता है हेलोजन तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है क्यों। तीन बार क्वेश्चन यहाँ से आपके तीनों क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अथवा था आधुनिक आवास सारणी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। और चौदहवां आता है ग्राहम के विषण नियम को समझा कर लिखिए। तीन बार क्वेश्चन है। अथवा था आदर्श गैस एवं वास्तविक गैस में अंतर लिखिए। पंद्रवां था उदासनी ग्रह ऊष्मा को परिभाषित कीजिए। तीनवा क्वेश्चन अथवा था विशिष्ट ऊष्मा धारिता से आपसे क्या अभिप्राय है। यह आपका पंद्रह क्वेश्चन है। तो इसके स्क्रीन उघाल दिया स्टूडेंट, यहाँ पर आप स्क्रीन उघाल लेंगे तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन करने में आपको आसानी जाएगी याद करने में। तो स्क्रीन उघाल लीजिए बारहवें क्वेश्चन का, तेरहवें क्वेश्चन का घर सकते हैं। और चौदहवें घर लीजिए, पंद्रहवें का आपको यहाँ पर स्क्रीन उघाल सकते हैं। सोलह आता है विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या, इसकी विशेषता लिखी। तीनवा क्वेश्चन है अथवा था मानक इलेक्ट्रोड का संचित वर्णन कीजिए। यह आपका सोलहवा क्वेश्चन है। सातवां आता है लैंथेनाइट और एक्टिनाइट में समानता और समानता चार चार बिंदु के अंतर्गत लिखिए। चौथा क्वेश्चन है अथवा निम्न को समझाइए। एन प्लस एल का नियम लिखना और आपको पावली का अभिजन आपको अपना पावली का अभिजन नियम लिखना। चौथा क्वेश्चन है तो यहाँ पर सातवें का अथवा करा दिया। तो इस पेज का पूरा आप यहाँ पर जो स्क्रीन शॉट है पूरा घाल लीजिए जिससे आपको आसानी जाए पूरा पेपर यहाँ पर याद करने में। तो चलिए अब आपका यहाँ पर अठारहवां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। पूरा पेपर हम करने वाले हैं। अठारहवां क्वेश्चन आपका आता है, अठारह क्वेश्चन देखते हैं। अष्टक नियम लिखिए था जिसका महत्व सीमा लिखिए। पाँच नंबर क्वेश्चन है अथवा था इलेक्ट्रॉन ग्रह एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मक में अंतर लिखिए। उन्नीसवां आता विद्युत रासायनिक श्रेणी की प्रमुख उपयोग लिखिए अथवा था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को समझाइए। पाँच नंबर क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट मैंने पूरा पेपर करा दिया, इसका आप यहाँ पर स्क्रीन कर सकते हैं, घर लीजिए अच्छी तरह से स्क्रीन आपका अठारह उन्नीस क्वेश्चन का। तो स्टूडेंट जो पूरा पेपर है मैंने यहाँ पर करा दिया, आप यहाँ पर देखते पूरा पेपर आपका हो चुका। और साथ ही जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट थे तो मैंने आपको ऑब्जेक्ट सोचा करा दिया था, यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा पेपर आपको रख लेना, यही पेपर आपको आने वाला है। और साथ ही आपका जान टाइम बचा नहीं है तो आपका यहाँ पर आध घंटे बाद थोड़ा सा आने वाला आपका जो आपका पाँचों क्वेश्चन से लेकर आपको उन्नीसवें क्वेश्चन तक आपका यहाँ पर आध घंटे बाद थोड़ा सा आने वाला। इस चैनल पर जल्दी से आप चैनल सर्च कर लीजिए, घंटे पर प्रेस कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके आध घंटे बाद पूरे पेपर थोड़ा सा जाते। जय जय भारत।